हमारी गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है ना, यानी कि ये इसमें आती है खूब सारी लाइटें अलग अलग टाइप की, और उन सभी लाइटों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उन लाइटों का आना भी जरूरी है और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद उन लाइटों का जाना भी जरूरी है। जब हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी लाइटें यहाँ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो भी कोई दिक्कत है, और अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उनको जाना चाहिए, अगर नहीं जाती हैं तो भी कोई गाड़ी में दिक्कत है, ठीक है। तो अब मैं तुझे बताता हूँ काम किस तरीके से करती है। तो जैसे तेरे में तो पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ी है ना याली, तो इसका एक बार स्विच ऑन कर लेते हैं। कहाँ गया, ठीक है, दो बार प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पर सारी लाइट आ गई। अब मैं तेरे को लाइटें बता रहा हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले यह गाड़ी में चेक इंजन लाइट, ठीक है, मतलब अगर गाड़ी में कोई भी इश्यू होगा, ठीक है, इंजन से रिलेटेड, इंजन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो चेक इंजन लाइट अपेयर होती है। लेकिन इस अभी तो जैसा मैंने तेरे को बोला कि जब हम इग्निशन एक बार ऑन करते हैं तब ये सारी जलती हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इनको जाना चाहिए। अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो स्टार्ट गाड़ी में भी ये आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने इग्निशन ऑन किया अपना, ये पहली है चेक इंजन लाइट, यह है बैटरी, यह है इंजन ऑयल की, ठीक है, यह है पावर स्टेयरिंग की, और यह है तेरी हैंड ब्रेक की, ठीक है। उसके अलावा एक वार्निंग और आ रही है, इसमें खूब सारी वैसे हिडन है ना, वो तभी होती है जब कोई चीज अपेयर होती है। जैसे अभी सीट बेल्ट नहीं लगी ना, तो सीट बेल्ट वार्निंग वाली यहाँ पर आ रही है। अगर सीट बेल्ट लगी होगी ना अपने उसमें पोजिशन में, तो ये वार्निंग नहीं आएगी। अगर नहीं लगी होगी तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, वैसे वहां पर भी आती है इधर, ठीक है। तो आप देख, समझ रहे दोबारा से, चेक इंजन लाइट, इंजन से रिलेटेड जितनी भी कोई भी दिक्कत होगी तो ये चेक इंजन लाइट आती है, अगर इंजन में कोई भी दिक्कत होगी। और बाकी उनको किस तरीके से चेक करना, फॉल्ट कोड वो फिर स्कैनर लगाना पड़ता है, वो अलग चीज़ हो जाती है, वो तो मैकेनिकल वाली टर्म्स हो जाती है, वो किस तरीके से चेक करेगा। बट ये तेरे लिए, अगर ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर ये आती है चेक इंजन लाइट, मतलब तेरी गाड़ी में कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, फिर वो स्कैनर लगा के जो भी गाड़ी सही करने वाला होगा वो चेक करेगा। कभी भी गाड़ी को इसके साथ नहीं चलाना, अभी डिटेल में बताना, ठीक है। तो ये सारी लाइटें आ गई इग्निशन ऑन में, पहली चेक इंजन लाइट, बैटरी, इंजन ऑयल, ठीक है, और भी वार्निंग वाला है वो अपेयर नहीं हो रहा, जैसे भी हाइट हो रहा है, जला नहीं है। कल जैसे मैंने एक बार तुझे को दिखाया था कि दरवाजा खोल के जलाया था तो आने लग गया था यहाँ पर, वो दिख नहीं रहा है, वो उसको छोड़ दे, उसको मत ध्यान में दे। और ये है हैंड ब्रेक की और ये है पावर स्टीयरिंग की, ठीक है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट, ठीक है, अभी तो लाइटों को समझ, ठीक है, 1 2 3 4 5 इतनी सारी लाइटें आ रही है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट, लाइटें गई, सिर्फ एक लाइट है, ये अपनी हैंड ब्रेक की है, मैंने यहाँ से हैंड ब्रेक डाउन किया, ये भी चलेगी, ठीक है, ये हैंड ब्रेक की है और बाकी सारी लाइट है, 1 2 जितनी भी आ रही थी वो सारी चलेगी, ठीक है। अगर इनमें से अभी कोई भी लाइट आ रही होती, मान ले अगर चेक इंजन लाइट तेरे यहाँ पर अभी आ रही होती गाड़ी स्टार्ट होने के बाद डिस्प्ले में आ रही होती, तो इसका मतलब गाड़ी, अगर चेक इंजन लाइट आ रही हो, गाड़ी के इंजन में कोई भी फॉल्ट है, ठीक है, चलानी नहीं है, टाइम पे नहीं, उस फॉल्ट को सही करवाना है, मतलब चलानी नहीं है ना उसको चलानी है, लेकिन मैकेनिक तक ले जानी है, या फिर अगर मैकेनिक पे अवेलेबल है आसपास तो उसको बुलाकर वो ठीक करवाना है, ठीक है। मतलब उसका मतलब यह है कि उसके साथ में रेगुलरली नहीं चलानी है, दिखानी है, गाड़ी में कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, वो स्कैनर लगा के पता चलेगा, ठीक है। गाड़ी मतलब कुल मिला के गाड़ी में कोई फॉल्ट है, ठीक है। और कई बार वो जो चेक इंजन लाइट है इसलिए भी आ जाती है, अगर गाड़ी में कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आ जाती है। तो उसको हटाने का एक सिंपल तरीका कि बैटरी से तुम वायर केबल डिस्कनेक्ट करोगे, हट जाती। बाकी नॉर्मली अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट हो तो चेक इंजन लाइट आती है। उसके बाद थी बैटरी वाली दिख रही होगी देखो, ठीक है, बैटरी वाली इसलिए आती है कि तेरी गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है चलती गाड़ी में, ठीक है। उसका क्या रीजन हो सकता है, प्रॉब्लम है अल्टरनेटर में, ठीक है, वो बैटरी को जितने वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए वो प्रोवाइड नहीं करा रहा है, या फिर बेल्ट टूट गई है गाड़ी की, जो ड्राइव बेल्ट होती है, ठीक है, वो टूट गई है। लेकिन वो एक वो लेकिन और भी इंडिकेशन हो सकते हैं, लेकिन वो एक मेजर इंडिकेशन है, ठीक है। अगर गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फिर तेरे को बहुत सारी दिक्कत आने वाली, क्योंकि गाड़ी में ऑलमोस्ट हर चीज़ बैटरी ऑपरेटेड होती है, ठीक है। तो गाड़ी का बैटरी का चार्ज होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके अलावा अगर कोई भी लाइट आ रही, जैसे इसमें तेरे को दिख रही होंगी ना यहाँ, जैसे मान ले ABS की लाइट आ रही है, ठीक है, और अगर दरवाजा खुला वाला है वो तो मैं तेरे को देखिए, दरवाजा खुला वाला है वो तो नॉर्मल सी बात है, हमने दरवाजा खुला बंद करा, बंद नहीं हुआ दरवाजा, ये आ गई, ठीक है। तो मतलब इसी तरीके की वार्निंग सारी जो तेरी होता है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता है। अब जैसे लो फ्यूल वाली आएगी, लो फ्यूल वाली आ रही थी ना कि फ्यूल कम था गाड़ी में, फ्यूल अप करो, और सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग की आ सकती है। उसके अलावा टायर में कम हवा की वार्निंग आ सकती है, तो इसकी एयर बैग का भी दिखाता है, ठीक है, और ये चाबी का भी दिखाएगा जैसे इमोबिलाइजर वाला, ठीक है, और उसके उसके अलावा इंजन ऑयल का भी दिखाएगा, ठीक है। तो सब कुछ तेरा यहीं दिखाएगा, बस तेरे को बेसिक्स जो होता है, बाकी तो खूब सारे हैं इसमें, ठीक है, इतने सारे नॉर्मली याद भी नहीं रहते लोगों को, लेकिन बेसिक तेरे को दो चीजें याद रखने वाली है, एक है चेक इंजन लाइट और दूसरी है जो गाड़ी की बैटरी बनी आती है वो, और तीसरा वाला वो
इंजन ऑयल वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, बाकी इनको अगर एक बार तू, अच्छी बात है अगर तू खुद से ही ये चीजें ध्यान में रख लेता है कि कौन सी, बट जो बेसिक्स थे वो ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अगर गाड़ी बार बंद कर लेगा, ठीक है, दबाया एक बार और दबा, अभी देख सारी आई। हाँ, एक ब्लू वाला भी आता है, जब तू सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करेगा ना, ब्लू वाला आता है, उसमें मतलब गाड़ी का जो कूलेंट है बहुत अभी ठंडा है, ठीक है। अगर लेकिन वही चीज अगर लाल आई तो कूलेंट बहुत ज्यादा ओवरहीट कर रहा है, लाल नहीं आना चाहिए, ब्लू वाला कुछ टाइम हट जाता है, ठीक है, गाड़ी के कूलेंट के गर्म होने के बाद। अगर अब ये जैसे हमने इग्निशन स्विच ऑन किया ना, या फिर की ऑन करते, अगर उनमें से कोई भी ये लाइट नहीं आती, मान ले चेक इंजन लाइट नहीं आती, तब तो हमारी गाड़ी के ईसीयू में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो फिर वो लंबा इश्यू हो जाता है, ईसीयू से रिलेटेड फॉल्ट वो एक बार के लिए हो सकता है। तो इसका क्या निकला मेन कंक्लूजन, कि इन लाइटों का जब हम चाबी ऑन करते हैं गाड़ी की, आना भी जरूरी है और स्टार्ट होने के बाद जाना भी जरूरी है। अगर नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत है, ठीक है, इनमें से कोई लाइट, और अगर स्टार्ट होने के बाद नहीं जाती है तब भी कोई दिक्कत है, ठीक है, कुल मिलाकर। तो आए समझ में, आसान था ना, ठीक है। और रिपीट कर रहा हूँ, चेक इंजन लाइट, बैटरी, ऑयल प्रेशर, बताया था हैंड ब्रेक, और ये पावर स्टीयरिंग जो यहाँ पर विजिबल है, उसके अलावा भी इसमें हिडन लाइट्स है जो भी ग्लो नहीं कर रही है, ठीक है, वो बाकी वार्निंग या फिर इंडिकेशन, देख हर बार वार्निंग लाइट नहीं होती, इंडिकेशन लाइट भी होती है, जैसे लाइट ऑन करी ये देख, ठीक है, ये चीज होती है। और एक चीज और होता है, जैसे हमने लाइट ऑन करी, यहाँ पर जो मीटर की लाइट होती है ना, ये देख मीटर लाइट बंद हो गई, रात के लिए तुम गाड़ी चला रहे हो, अगर यहाँ भी लाइट है ज्यादा तेज रहेंगी तो तुम्हें इधर की लाइटें पड़ेंगी ना, तुम्हें तुम्हारे विजन में सामने देखने में उसमें दिक्कत आएगी, तो इस वजह से ये डाउन हो जाती है, ठीक है। तो आई समझ में, इजी था ना, मतलब इन चीजों को याद रख लें, ठीक है।